व्यापार बंधु की मासिक समीक्षा बैठक एडीएम सिटी रजनीश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम सिटी ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समयानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए तथा बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में अगली बैठक के पूर्व व्यापार बंधु के संयोजक सचिव उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने नगर निगम से संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि रोस्टर के अनुसार छिड़काव और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाए तथा नालों सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही गंदगी ना हो इसके लिए कूड़ा हेतु डस्टबिन लगाई जाए। उन्होंने नगर निगम को यह भी निर्देश दिए कि महानगर में जल जमाव की स्थिति ना बने इसके लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, नालियों की सफाई की जाए। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और व्यापारी नेता मौजूद रहे। इसमें सारी जानकारी देने हाँ बताइए इधर आ गया जी हम इधर आके बताऊँ आगे आ जाऊँ मतलब ये सर इसके नगर निगम से दोबारा फिर मांगी अब वो खुला है सर इसका चीज तो जो बीत गया और कब खुलेगी इसी में जो है 31-8 वाले में ही 31-8 में ही टेंडर होना था उसमें आ गया नहीं क्या आया कूड़ा वाली व्यवस्था करवा दीजिए कूड़ा वाला दर्ज कर दिया जाए वो हटा दिया जाए हाँ हटा दिए और पूरा उसको जरा सा ऊंचा करवा दिया जाए जो गड्ढा है उसके लिए ये बिंदु हटा देंगे से अधिकारी द्वारा दिनांक 22 मई 2018 को सील कर दिया गया है। इसमें कई व्यापारियों की दुकानें भी सील हो गई हैं जिससे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो गया। वो जो आप जो इशू कार्रवाई कर रहे हैं सर उस बिंदु पर 5 दुकान तो बंद हुए हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं तो उसमें पार्किंग का देख रहे हैं।